अपराधी को पकड़ने के लिए पहुंची खूंटी पुलिस और एटीएस की टीम को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया और मारपीट की। इस दौरान बंधक बने जवानों का आरोप है कि उनके हथियार भी ग्रामीणों ने छीन लिए। बाद में खलारी डीएसपी अनिमेश नैथानी के पहुंचने के बाद बंधक बने जवान को छोड़ा गया और हथियार को रिकवर किया गया। मामला खलारी थाना क्षेत्र के राय का है। पुलिस वहां रहने वाले महमूद आलम उर्फ नेपाली नामक युवक के घर में रेड करने के लिए घुसी। घर में घुसने के बाद पुलिस और महमूद आलम की पत्नी में झड़प हो गई। इस दौरान आसपास के लोगों ने पुलिस पर महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने, घर में रखे 60,000 नगद और जेवरात, मोबाइल लेने का आरोप लगाते हुए खूंटी पुलिस और एटीएस के जवानों के साथ मारपीट करते हुए बंधक बना लिया था। आइए सुनते हैं उस महिला को जिसके घर पुलिस रेड करने के लिए घुसी थी। ये लोग मेरे हस्बैंड महमूद आलम को ढूंढने के लिए मेरे घर में गए कि उनसे कुछ इंक्वायरी लेना है। हम बोले कौन थाना है, ये लोग खलारी थाना बोले, ना आईडी दिखाए ना सर्च वारंट दिखाए, मेरा घर में घुसे हैं, पूरा घर का वीडियो बनाए हैं, हर चीज़ इन लोग खोल के देखे हैं, कुछ कैश भी पैसा था, जेवर था, और फिर लास्ट में मेरा मोबाइल के पीछे ये लोग पड़े, हम नहीं दिए तो इन लोग हमको पटक के मेरा मोबाइल लेके गए हैं और अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हम लोग मोबाइल लिए हैं। और खलारी थाना का झूठ मूठ का इन लोग ना आईडी दिखाए ना सर्च वारंट दिखाए। मैं तो आप लोग ये बने कैसे हुआ किसी से, तो आपस में दोनों के बीच झंझट भी हुआ? झंझट कुछ नहीं हुआ, ये लोग सिर्फ मेरा मोबाइल के पीछे है और पूरा मेरा घर देख रहे हैं। हम बोले नेपाली कुछ नहीं छिपा के रखेंगे, गोदरेज में ये वो, तो आप मोबाइल नहीं दे रही है इसलिए। हम बोले मेरे मोबाइल से क्या लेना देना है, जो मुजरिम है उसको पकड़िए, वो कुछ किए हैं क्या है, तो बस इंक्वायरी लेना है। हम बोले हम ग्रामीण के साथ या सुबह अकेले उनको हम भेज देंगे खलारी थाना, जाके वहाँ इंक्वायरी दे देंगे, वो जो लेना है आपको इंक्वायरी। तो नहीं, अभी आए हैं, अभी चाहिए, अभी आए हैं, अभी चाहिए। और 6 बजे से मेरा घर घुसे हैं और एक एक चीज मेरा खोल के ये लोग देखे हैं और सब चीज, ये लोग मेरा जेवर भी कुछ था और मेरा कैश था गायब किया है और मोबाइल भी लेके गया है और अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ये लोग। कितने बजे ये लोग आए थे? 6 बजे मेरा घर में एकदम जस्ट 6 बजे। कितने आदमी का कैश गया होगा, कैश कितना होगा अंदाज आपका? 50,000 होंगे। और ज्वेलरी कितना होगा? ज्वेलरी तो शादी में जो मिला था अभी हम चेक नहीं किए हैं कि क्या है क्या नहीं है, बस मेरा पूरा देख लीजिए, घर उधेड़ के रखा हुआ है। कितने लोग थे ये लोग? पहले 2-3 जेंट्स थे और 2 लेडीज थी, बाद में फिर ये लोग बोले खलारी थाना, फिर बोल रहे नहीं बाद में खलारी थाना आएगा और फिर बाद में आए। 8-10 जेंट्स थे और पूरा मेरा घर भरे, ना किसी ग्रामीण को अंदर जाने दे रहे हैं ना हमको बाहर आने दे रहे हैं। बताइए कोई तरीका है? रात में किसी अकेले लेडीज के घर, हम और मेरे दोनों बच्चे सिर्फ अंदर में है, दोनों बच्चे भी मेरे गुहार लगा रहे हैं, छोड़ दीजिए मत मारिए मेरी मम्मी को, लेकिन ये लोग पटक के बाल खींच के मेरा मोबाइल लिए हैं। अच्छा, मारपीट भी किया? हाँ, मारपीट किए हैं इन लोग, इधर देखिए नोचे चौथे भी हैं, हमको जबरदस्ती लिए हैं ये लोग मेरा मोबाइल। क्या नाम है आपका? नूर जहां। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।